नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना के CTSP विनय तिवारी आज रात 11:30 बजे पटना लौट आए। उन्हें पटना एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे मौजूद थे और गुप्तेश्वर पांडे ने ही सबसे पहले ट्वीट करके मीडिया को जानकारी दी थी कि विनय तिवारी जो है पटना के CTSP वो हैदराबाद होते हुए पटना करीब 11:30 बजे रात को लौटेंगे। जब मीडिया के लोगों ने विनय तिवारी से पटना एयरपोर्ट पर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मुझे क्वारंटाइन नहीं किया गया था, पूरे कानून व्यवस्था और पूरी जांच को क्वारंटाइन कर दिया गया था। उन्होंने इतना तक कहा कि जब मैं पहुंचा मुंबई उसके बाद ही मैं तुरंत जो अहम एक दो गवाह थे उनकी गवाही लेने के लिए पहुंच गया था और उसी बीच में फोन आया कि हमारी एक प्रक्रिया है, आप प्लीज आ जाइए गेस्ट हाउस में। मैं गेस्ट हाउस पहुंचा और बस मुझे उन्होंने बताया और मैंने स्वेच्छा से कहा कि जो आपकी प्रक्रिया है आप उसे पूरा करें। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि क्या मुंबई पुलिस चाहती थी, उन्होंने क्यों रोका विनय तिवारी को और क्या क्या आगे हुआ और बिहार पुलिस के हत्थे क्या क्या सबूत लगे हैं, उन्हें सारी जानकारी पर्दे के पीछे रखकर थोड़ी सी दी। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं पटना CTSP और जो बिहार पुलिस का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे मुंबई सुशांत सिंह मर्डर केस में, आइए सुनाते हैं। हमारी टीम 27 तारीख से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और मेरे पहुंचने के बाद एक दिन पहले दिन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया 2 तारीख के बाद से फिर रफ्तार रुक गई। आज अचानक आपको कैसे क्वारंटीन किया गया, व्हाट वे यू सेड, ऑल ऑफ अ सडन आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो क्या अचानक बोला गया आपको? तो पहुंचने के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था जी और जानकारी जो है मोबाइल और एयरपोर्ट मीडिया को ब्रीफ भी किया था मैंने कि ये सर्वविदित था, कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मुंबई आया हुआ हूँ, बिहार पुलिस की SIT को लीड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के एयरपोर्ट से जाने के बाद जब मैं गेस्ट हाउस गया और रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला तब करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था BMC के लोगों का कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा तो उस नियम कानून का मैंने पालन किया, आपका नियम है उसका पालन। क्या लगता है ये अनप्रोफेशनल अप्रोच था महाराष्ट्र पुलिस का, जिस तरीके से आपको क्वारंटीन किया गया, बाकी 4 ऑफिसर्स को नहीं किया गया, बाकी लोग जो महाराष्ट्र जा रहे थे उन्हें नहीं किया गया? आपके बात सही है कि बाकी 4 को मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, हिलहिला कह रहे हैं। क्या आपने सीनियर ऑफिसर को अप्रोच किया वहां पे? जब आपने मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इन्वेस्टिगेशन हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार था, चूंकि FIR यहाँ दर्ज हुई थी ये हमारा कानून। सर सिर्फ जैसे आप SIT को लीड कर रहे थे, आज DCP मलाड का जो आया है ट्रैक आया है, टाइम्स नाउ ने दिखाया कि किस तरीके से ही हैड स्पोकन टू रिहा, उनका फोन कॉल्स एक्सचेंज हुआ था, तो क्या लगता है कि इज द मुंबई पुलिस ट्राइंग टू सेव रिहा, रिहा को बचाने की कोशिश हो रही है, यही कारण था कि आपको क्वारंटीन किया गया, आपके ऑफिसर्स को काम नहीं करने दिया गया? नहीं, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा और ये करना उचित भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी टीम जो है पिछले 10 दिन से अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सही दिशा में सही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो आपने सुना, ये थे विनय तिवारी, पटना के CTSP, पटना लौट आए हैं और कल जब रिटर्न का टिकट दिखाया गया मुंबई के अधिकारियों को, मुंबई BMC के अधिकारियों को, तो उन्होंने विनय तिवारी को जाने की अनुमति दे दी। अब आगे क्या होता है, जांच किस तरफ चलेगी, बिहार पुलिस के यहाँ तो कितना सबूत लगा है, इस पर भी नेशन भारत की नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।